हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मोक्स पर। आज हम देखेंगे कि ब्लॉगर पे ब्लॉग कैसे बनाया जाए। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले अपने गूगल के अंदर आप टाइप कीजिए blogger.com और आप इसे सर्च कीजिए। मेरा यहाँ पर पहले से अकाउंट बना रखा है, तो यहाँ पर मेरा एक होम पेज खुला हुआ है और आपको यहाँ पर दिख रहा है ब्लॉगर। यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है व्यू ब्लॉग। यहाँ पर देखिए, क्लिक करके यहाँ पर कौन कौन से मेरे ब्लॉग हैं आपको पता लगेगा। ये देखिए, मैंने पिछला एक ब्लॉग बनाया था, उसका व्यू आ गया। ओके, अभी हम ब्लॉगर के होम पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आपने न्यू ब्लॉग लिखा होगा, योर ब्लॉग करके, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपका कोई ब्लॉग नहीं होगा तो यहाँ पर एक न्यू ब्लॉग करके लिखा आएगा। सबसे पहले आपने अगर नया ब्लॉग बनाया है तो यहाँ पर क्लिक करना है। आपने जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपका टाइटल मांगेगा। टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिख दीजिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पर फन एंड फन। मैंने यहाँ फन एंड फन का टाइटल लगा दिया है। अभी मैं यहाँ पर कोई अपना थीम चूज़ कर लूँगा और यहाँ पर थीम चूज़ करने से पहले मुझे यहाँ पर अपना एक वेब एड्रेस बनाना होगा जो कि blogspot.com के नाम पे यहाँ पर बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई फनी अभी मैं देखता हूँ कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। माई फनी फनी blogspot.com, अगर ये अवेलेबल होगा तो यहाँ पर ये लिख के आएगा। ये देखिए, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। अभी मैं फनी 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 कर देता हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए वो ब्लॉग, तो आपको यहाँ पर एड्रेस मिल जाए। देखिए यहाँ पर दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, माई फनी 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 डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम अवेलेबल है। यहाँ पर एक छोटा सा थीम आपको चूज़ करना होगा। कोई भी थीम आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे थीम दिए हुए हैं और थीम के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सबसे पहला थीम है, उसे मैंने चूज़ करता, मुझे वो अच्छा लगा और मैं यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरा ब्लॉग बन रहा है। ये देखिए, यहाँ पर लिख के आया हुआ है क्रिएटिंग अ ब्लॉग, फन एंड फन ब्लॉग इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। यहाँ पर फन एंड फन ब्लॉग सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अभी आप चाहे तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च भी कर सकते हो, लेकिन नो थैंक्स, मैं अभी सर्च नहीं करूँगा, मैं अभी ब्लॉग को क्रिएट करूँगा। ओके, अभी हमारे को सबसे पहले बनाने होंगे पेजेस। हम सबसे पहले अपने पेजेस में जाएंगे। अभी पेजेस बनाने के लिए आप देखिए यहाँ पर एक न्यू पेज लिखा हुआ है। न्यू पेज के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पर एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है पेज टाइटल। यहाँ पर नीचे पेज के लिए आपको जो लिखना है, जो आपने लिंक्स ऐड करनी है, इमेज ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पेज यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर आप अपना पेज का कोई भी नाम लिख सकते हैं। आपको एक ब्लॉग क्रिएट करने के लिए तकरीबन 4 पेज तो चाहिए ही चाहिए। उसमें आप अपने बारे में कुछ अबाउट मी लिख सकते हो, एक दूसरा पेज बना सकते हैं आप जिसमें आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिख सकते हो, तीसरा एक पेज आप बना सकते हैं जिसके अंदर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस लिखनी होती है, और चौथा आपका होम पेज हो जाता है। और होम पेज से आप अपने सारे जो भी पोस्ट है आप उससे आप लिंक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक पेज बना देता हूँ। मैं लिखता हूँ वहाँ पर कॉन्टैक्ट। अभी कॉन्टैक्ट का मैंने पेज लिख दिया। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट में मैं कुछ भी टाइप कर दूँगा जो मुझे करना है और मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। ये हो गया पब्लिश। यहाँ पर देखिए, अभी ये हो गया पब्लिश, कॉन्टैक्ट पेज अभी यहाँ पर पब्लिश हो गया। अभी आप यहाँ पर ये ब्लॉग आपका क्रिएट हो गया है। अभी मैं सेकंड पेज ये क्रिएट करता हूँ, वहाँ पर लिखता हूँ मैं टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, ये भी मैं इसके भी क्रिएट कर देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ इसके अंदर, और मैंने इसको भी पब्लिश कर दिया।
वैसे आप सारे पेजेस यहाँ पर बना सकते हैं। अभी देखिए दो पेज मैंने यहाँ पर बनाया, अभी मुझे यहाँ पर जो भी पोस्ट करना है मैं कहीं पर भी इसको पोस्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में या कॉन्ट्रैक्ट में हम अपने पोस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, तो मैं अलग से इसका पोस्ट करूँगा। तो यहाँ पर पोस्ट मैंने दबाया, यहाँ पर न्यू पोस्ट करके लिख के आया हुआ है। आप यहाँ पर एक न्यू पोस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही क्रिएट करना है आपने यहाँ पर जो भी लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं, माय फनी जॉक्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया माय फनी जॉक्स, और मैं यहाँ पर अपने जॉक्स लिखूँगा। जो भी आप लिखना चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखूँगा हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद मैं अपना कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरे ये फनी जॉक्स ये है, ये जो भी है। ओके, ये मेरे जॉक्स सारे हो गए। अभी मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। आप पब्लिश का ऑप्शन जो है, अगर आप पब्लिश करते हो यहाँ पर तो जो आपका ब्लॉग है वो पब्लिश हो जाएगा, और वो कहीं पर भी आपको देख, कोई भी आपको उस ब्लॉग को सर्च करेगा तो देख सकता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आया कि आप शेयर करना चाहते हो गूगल के अंदर, अगर हाँ तो यहाँ पर कोई कमेंट्स कीजिए, और यहाँ पर अपने पब्लिक में दिखाना दिखाते हो या कोई प्राइवेट ब्लॉग है आपका वो यहाँ पर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। तो मैं अभी शेयर करना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये मैंने टेस्ट के लिए ब्लॉग बनाया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं, हमारा ब्लॉग तैयार हो गया है, लेकिन अभी हमारे को यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए, यहाँ पर स्टेट्स लिखा हुआ है। इससे आपको पता लगेगा कि किसने किसने आपका ब्लॉग कब कब देखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर लोगों ने जो कमेंट्स किया हुआ है ब्लॉग के ऊपर जो यहाँ पर आएगी। अर्निंग्स, यहाँ पर जब आप अर्निंग्स का ऑप्शन चूज़ करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न्स योर पैशन इनटू प्रॉफिट। यहाँ पर कुछ जो गूगल्स की एड्स वगैरह है यहाँ पर आप इसको लाकर इसमें आप प्रॉफिट भी अपना कर सकते हो और यहाँ पर पैसे भी कमा सकते हो। अभी यहाँ लिखा है योर ब्लॉग डजंट करंटली क्वालिफाई फॉर एडसेंस, मतलब अभी मेरा ब्लॉग है जो अभी फ़िलहाल क्वालिफाइड नहीं है एडसेंस के लिए। जब ब्लॉग मेरा पूरी तरह बन जाएगा, लोगों का उसमें ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, तब मेरा ब्लॉग में एड्स वगैरह मैं ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद कैंपेन में मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। मेरे पेजेस तो आपने यहाँ पर बनाए वो देख ही लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर लेआउट। यहाँ पर मेरे पास लेआउट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं अपना पेज का कैसे लेआउट करना चाहता हूँ ये यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर एडिट में आप जाइए और सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। ये देखिए जो जैसे भी आप यहाँ पर करना चाहो ऑप्शंस में जाके यहाँ पर कर सकते हो। ऐड करना है तो आप यहाँ पर जो पेंसिल का निशान बनाया वहाँ पर ऐड करके वहाँ पर आप कोई भी गैजेट अपना ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर बहुत सारे गैजेट्स हैं। यहाँ पर ऐड गैजेट्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर एडसेंस का है, फीचर पोस्ट्स है, ब्लॉग सर्च है, HTML जावास्क्रिप्ट है, प्रोफाइल भी आप यहाँ पर लगा सकते हो अपना, पेज हेडर है, इमेजेस ऐड कर सकते हो, लेबल्स वगैरह, पेजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप इसका ऐड कर सकते हो। अभी मैं पेजेस ऐड करने के लिए मैंने पेजेस का बटन दबा दिया। पेजेस का बटन दबाने के बाद यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन खुल जाएगा, कैसे कैसे मुझे अपने पेज को यहाँ पर सेट करना। देखिए यहाँ पर होम पेज एक मेरा है, टर्म्स एंड कंडीशंस मेरा एक पेज है, और मेरा कॉन्टैक्ट का पेज है। तीन पेज यहाँ पर मैंने क्रिएट करके उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। तो मेरे तीनों पेज अभी जहाँ पर अभी ब्लॉग्स मेरा लोग देखेंगे तो तीनों पेज मेरे दिखने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अभी हम अब मेरे ब्लॉग को सर्च करते हैं गूगल के अंदर कि मेरा ब्लॉग कैसा दिखता है। अगर आपको यहाँ से भी आप देख सकते हैं अपना ब्लॉग व्यू ब्लॉग करके, देखिए यहाँ पर कैसा दिख रहा है। अभी मैंने यहाँ पर ना तो कोई इमेज ऐड किया है ना ही कुछ इसमें ऐड किया है, लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर सा दिखेगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मेरी प्रोफाइल का डिटेल्स आया हुआ है, यहाँ पर माय फनी जॉक्स करके लिखा हुआ आया है, यहाँ पर जो भी मेरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वो आया, नीचे सारे पेजेस भी लिखना लिखे हुए आ जाएंगे। तो बहुत ही आसान है ये ब्लॉग क्रिएट करना। आप यहाँ पर पेज के लेआउट में जाके पेज का लेआउट सेट करते हैं। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर थीम्स। थीम्स आप अपनी मर्जी से कोई भी थीम्स आप यहाँ पर सेट कर सकते हो।
अभी हमने जो थीम सेट किया था बिल्कुल सिंपल थीम सेट किया था, आप चाहे तो इसको भी, यहाँ पर थीम के बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसमें कलरफुल थीम्स भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो हमने जो अभी थीम्स पसंद किया था वो बिल्कुल सिंपल था, अभी हम यहाँ पर कोई अच्छा सा थीम पसंद करते हैं और देखते हैं कि अभी ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो हमने नया एक थीम पसंद किया है वो इस तरीके का दिखेगा, मतलब कि आप यहाँ पर कैसे भी अपना थीम्स वगैरह ऐड कर सकते। यहाँ पर मैं थीम्स को अप्लाई कर देता हूँ तो अभी वो थीम्स मेरा इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मोबाइल्स के अंदर ऐसे दिखेगा और यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर आपको ऐसे दिखेगा। उसके बाद सेटिंग्स में जाके आप अपने ब्लॉग की, अपनी वेबसाइट की पूरी सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं, बेसिक से लेके आपकी एडवांस सेटिंग्स, सारी सेटिंग्स यहाँ पर है। आप इसे खोल के एक बार देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कैसे आपको सेटिंग्स वगैरह करनी है। तो दोस्तों ये था कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।